से आना हुआ, क्या बैठक रखी गई कमलनाथ जी के लिए, 2023 की रणनीति कैसे बनाई जा रही है? देखिए 2023 जो है मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जी कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी जी। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहते जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कांग्रेस को एक के ऊपर जो जान फूकी है, एक अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति भी माननीय कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास करता है। ये प्रदेश में जो भय भू भ्रष्टाचार की जो सरकार है और महंगाई और बेरोजगारी जिस तरीके से चरम सीमा पर बढ़े हैं, उससे समूचा प्रदेश आज पीड़ित है, प्रभावित है और खास करके भ्रष्टाचार का जो आलम प्रदेश में चल रहा है उसको जग जाहिर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा माननीय कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। बिजली बिल बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार। ये बिजली बिल तो क्या है कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब जब थे जी, तो पूरे प्रदेश में आपने सिंगल बत्ती कनेक्शन दिया था जी, कि एक ऐसा वो व्यक्ति जो गांव में रहता है, जंगल पहाड़ों में निवास कर रहा है जी, उसको भी एक बत्ती कनेक्शन का लाभ मिले जी, और वो भी नगर महानगरों की तरह एक गांव में भी उसका आनंद लुप्त उठा सके जी। लेकिन मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से उन्हें सिंगल बत्ती कनेक्शन के स्थान पर सारे जगह मीटर लगा दिए और जिस ये बिजली विद्युत बिल के किसान उन्होंने जनता का शोषण कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि अभी पंचायतों का इलेक्शन हो रहा था जी, जी। उस इलेक्शन में एक अदेय प्रमाण पत्र लिया जाता था विद्युत विभाग से जी। अदेय प्रमाण पत्र के नाम पर उपभोक्ताओं से जिस तरीके से बिजली के बिल जो वसूल किए हैं वो जग जाहिर है। लोगों को जबरन यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है व्यक्ति, तो उससे पूरा 30-30, 50-50 एक एक लाख रुपए जमा किए हैं। वहीं उद्योगपतियों का बिल इतना बचा हुआ है, कभी कोई वसूल करते नहीं है उनसे। और हम साधारण किसान उपभोक्ता मजदूर जो गाँव गाँव में रह रहा है उससे जबरन वसूल किया गया। ये शिवराज सिंह के चरित्र को उजागर करता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.